सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किया की करंस 2024 मॉडल। सबसे पहले मैं आपको इंजन दिखा दिया हूं, और इंजन दिखाने के बाद मैंने आपको बोला था कि ये एक प्रीमियम सेगमेंट की कार है, कि जो कि सेवन सीटर में अगर आप इसके कंपटीशन में जो भी कारें देखेंगे, वो चाहे अर्टिगा देखें, चाहे ट्राइवर आप देखो या इनोवा आप देख लो, उसमें उससे भी ज़्यादा इसमें आपको फीचर मिलेगा। जो कि अगर आप देखेंगे तो हुंडई की वरना में 64 एम्बियंस लाइट मिलती है, वो आपको किया की करंस में मिलेगी, और ये एक प्रीमियम कार है, देख सकते हैं आप, सेवन सीटर की। अभी आपको चलिए इंटीरियर से पहले फ्रंट आपको लुक दिखाते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको किया की बैजिंग मिलेगी, सिल्वर बैजिंग दी गई है, और ये आपको 3D में रहने वाला है, जो कि ये आपको ना ये इसका कलर जाएगा ना ये आंखों लेने वाला है। और कलर आप देख सकते हैं, ये आपका ग्रे कलर पर रहेगा, वो भी ग्लोसी पे। यहां पर आपका पियानो फिनिशिंग रहेगा, और यहां पर आपका ये DRL और इंडिकेटर, ये कन्वर्टर रहता है, इस तरह से आपको मिलेगा। यहां पर आपका ये पूरा क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगा, इस तरह से यहां से लेकर यहां तक। यहाँ पर आपको LED की लाइट मिल जाती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन शेप में रहने वाला है। नीचे आपका फोग लैंप इस 3 स्प्लिट में रहेगा, इस तरह से मिलेगा। और बाकी क्रोम का जो वर्क है सामने, ये आपका इस तरह से बहुत ही गजब का वर्क किया गया है, ये देखिए आप। तो इस तरह से क्या है कि लुक जो है एकदम ज़बरदस्त इसमें आ जाता है। तो बोनट आप देखेंगे तो आपको बहुत ही गजब का रहेगा, ऊपर से और नीचे तक इसका बम्पर तक। ये आप देखो, दो पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट पे, क्रोम का इस तरह से ग्रिल का आप वर्क देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये ग्रिल वर्क रहेगा इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग है, और साइड प्रोफाइल इस तरह से रहेगा, यानी चार पार्किंग सेंसर है, दो बीच में, दो इस साइड से भी मिल जाएगा, ये देखिए। तो चार पार्किंग सेंसर रहेंगे, और पीछे भी इसके अंदर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेगा। अब हम बात करते हैं सेवन सीटर में, अगर आप अदर भी कार लेते हैं या फिर इस कार में जाते हैं, इसमें आपको ऐसा क्या फीचर मिलेगा जो कि सेवन सीटर की सेगमेंट में अदर कार में नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें स्टैंडर्ड लेवल से ही चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और चारों डिस्क ब्रेक के साथ साथ ABS EBD मिलेगा। उसके बाद इसमें आपका मिलता है 6 एयर बैग, जो कि स्टैंडर्ड लेवल है। अब ये चीज़ आपको किसी कार में नहीं मिलेगा, चाहे फिर आप अर्टिगा देखो, चाहे जो कार देखो, उसमें 2 एयर बैग रहेगा। उसके बाद इसके अंदर आप देखेंगे तो टॉप मॉडल आप देख रहे हैं, इसमें आपका देखिए डायमंड कट अलॉय व्हील, चारों डिस्क ब्रेक, ABS EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड, सारे फीचर मिलेंगे। MRF के आपको टायर मिल जाते हैं ठीक ठाक बढ़िया, और इसके अंदर आपको मिल जाता है व्हील 16 इंच की रहेगी, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पूरा इस तरह से रहेगा। और फाइबरिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया किया गया है, यहाँ पर डोर गार्निश भी, नीचे आप देखेंगे तो इस तरह से डोर गार्ड भी यहाँ पर लगाया गया है, देखिए डुअल टोन फिनिशिंग के साथ। और रियर में भी आप देखिए डिस्क मिलेगा 16 इंच का आपको, डायमंड का अलॉय व्हील मिलेगा, ये इस तरह से रहेगा। और इसके अंदर हाँ, सबसे गजब की चीज़ जो है वो है इसका हैंडल का डोर क्रोम फिनिशिंग यहाँ पर आपका मिलेगा, और उसके बाद इसमें आपका सेंसर भी दिया गया है, डोर सेंसर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और गार्निश यहाँ पर देखिए पूरा स्टील फिनिशिंग पे पीछे तक, ये देखिए आप पूरा। और रूफ रेल भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ये देखिए रूफ रेल से कुछ अलग ही लग चल जाती है। यहाँ पर आपका 2 वाइपर वाशर सब मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए पूरा सेटअप आपका इस तरह से रहेगा। और अब यहाँ पर हम आपको इसका दिखाएंगे, सबसे पहले रियर प्रोफाइल दिखा देते हैं आपको, ये देखिए इसके जो DRL से हैं, ब्रेक लाइट ये सब पूरा देखो, DRL इंडिकेटर, ये आपका रिवर्स लाइट है, यहाँ पर आपका ये ब्रेक लाइट रहेगा, ऑटो लिखा नहीं, ऑटोमेटिक है ये। पीछे भी आपको रिवर्स सेंसर मिलेंगे चार, अब ये आपको किसी में नहीं मिलेगा, रिफ्लेक्टर, बाकी स्टील वर्क यहाँ पर देखिए, क्रोम फिनिशिंग इस तरह से पूरा किया गया है, नंबर प्लेट यहाँ, पीछे आपका कैमरा भी दिया गया है। और ये रहा डिफोगर, वाशर, वाइपर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉयलर, सब डिफोगर सब आपको मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर भी आपको काफ़ी बेहतरीन लुक मिलेगा, ये देखिए ये चीज़ जो है ये सबसे नंबर वन का आपका रहेगा। यहाँ पर आपको करंस लिखा मिलेगा, करंस का जो सिल्वर बैजिंग 3D वाली रहेगी, यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब इस साइड का जो प्रोफाइल है वो ऐसा रहेगा, ये देखिए रियर का पूरा, ये एकदम प्रीमियम और लग्जरी फीलिंग आपको मिलेगी। देखो आप यहाँ पर चारों, यहाँ पर आपको एलो हिल मिलते हैं, और यहाँ पर ये रहा इसका फ्यूल टैंक, जो कि 45 लीटर इसके अंदर आपका डीजल आएगा, और यहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा वर्क मिल जाएगा सन कर्टन्स के साथ। ये चारों डोर जो है वो आपका क्रोम फिनिशिंग पर रहेगा। यहाँ पर भी ये देखिए आप पूरा, ये देखिए यानी कि LED वाले इंडिकेटर्स डुअल टोन फिनिशिंग के साथ, बॉडी कलर पर ये आपका रहेगा। और इसके अंदर आपको भाई वेंटिलेटेड सीट मिलती है, बिल्कुल क्रेटा की टक्कर देने वाली है ये, अदर तो सेवन सीटर कार तो भाई वो तो टक्कर देगी ही। आप देखो ये फिनिशिंग देखो आप पहले, ये देखिए सॉफ्ट टच यानी कि लेदर फिनिशिंग इसके साथ आपको मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए आप सब कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, विंडो के, ORVM के, लॉक अनलॉक के सब। और ये देखो अब ये चीज़ देखो आप, ये पूरा सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पर मिल रहा है, डोर का देखो लीवर इस तरह से गजब का एकदम। और ये आपका पियानो फिनिशिंग, इस पर कवर लगाया गया है, बोस के म्यूज़िक सिस्टम मिलते हैं, जो कि आपको हुंडई की वरना में मिलता है,
क्रेटा में मिलेगा, अल्काज़ार में मिलेगा, और अल्काज़ार से भी ये डायरेक्ट कंपटीशन में है भाई। स्पीकर देखो, और ये देखिए पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, आइडियल ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट, ये देखो एम्बियंस लाइट, देख रहे हो ये एम्बियंस लाइट इसके अंदर, ये देखिए एम्बियंस लाइट इसके अंदर मिले रही, ये देखो आप पूरा वहाँ पर भी देखो, इसके अंदर आपको वहाँ पर भी देखे, ये देखिए एम्बियंस लाइट इसके अंदर दी गई है, और रूफ में एसी, ये देखो रूफ में चार चार एसी, दो यहाँ दो पीछे भी दिया गया है, ये देखो आप सीट, और यहाँ पर पीछे भी आपको मिल जाता है। अभी बैठ के दिखाता हूँ कितना स्पेस मिलेगा, ठीक है, आर्मरेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका देखिए आर्मरेस्ट यहाँ पर भी दिया गया है, वेंटिलेटर सीट रहेगा, ठीक है, ये आपका फ्रंट का दोनों वेंटिलेटर सीट मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर देखिए, ये ऑटोमेटिक है, देखो आप यहाँ पर ट्रांसमिशन इस तरह से रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ये देखिए पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, और यहाँ पर ड्राइव मोड, प्लस माइनस जैसा आप चाहें मैनुअल भी कर सकते हैं। ये आपका रहेगा सिल्वर पियानो फिनिशिंग, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, टाइप सी, 12 वोल्ट यूएसबी सब आपका, ये देखो यहाँ पर वेंटिलेटर का सीट ये वाला है, ये वाला यानी ड्राइवर की, ये है को ड्राइवर की वहाँ पर है। पार्किंग यहाँ पर देखो, कैमरा, ड्राइव मोड भी आपको मिलेंगे। अब चलिए हम बैठते हैं फिर दिखाते हैं। ऑटोमेटिक है, क्लच ब्रेक का कोई ऑप्शन ही नहीं है पर क्लच का, फ्यूल यहाँ से खुलेगा, आगे का बोनट यहाँ से खुलेगा, और ये पूरा सेटअप हो गया। अभी देखो एम्बियंस लाइट, ये आपका सिल्वर फिनिशिंग, ये आपका पियानो फिनिशिंग है, और यहाँ पर ये क्या दिया गया, ये देखो यहाँ पर भाई का सब का स्पेस दिया गया यार, ये दिया रहा। अब देखो इसके अंदर आपका क्रूज कंट्रोल, पेडल शिफ्टर, यहाँ पर आपका ये पेडल शिफ्टर, ये क्रूज कंट्रोल, ये आपका पियानो फिनिशिंग, यहाँ पर ये आपका देखिए जो इसके कंसोल हैं ये आपको 10 इंच के मिल जाते हैं, ये आपका कंट्रोल करेगा, ये वॉइस असिस्ट, कॉल, मिस कॉल, ये पूरा सेटअप, और ये रहा क्रूज कंट्रोल, यहाँ पर देखिए MID, और ये पूरा डिस्प्ले इस तरह से रहेगा, यहाँ पर जैसे मैं ऑन करूँगा तो ये देखिए इस तरह, देखो सिस्टम चेक, यहाँ पर आपका स्पीड, यहाँ पर RPM, इंजन टेम्परेचर, यहाँ पर आपका फ्यूल, ABS, ये सब पूरा देखा, देखो ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट है, तो ये ऑन हो गया, देखो ये पूरा टच स्क्रीन रहेगा, देख रहे हो ये पूरा टच स्क्रीन दिया गया भाई, ऑफ़ कर दिया यहाँ से बंद हो गया, देखो AC बंद, हेजर्ड बटन यहाँ पर आपका मिलेगा, या फ़ैन को एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप चाहें, देखो AC ऑन हो गया, फ़ैन जैसे आप चाहें वो अपने हिसाब से कर सकते हो, ये बहुत ही गजब का सिस्टम। और ये 64 कलर में एम्बियंस लाइट होगी, ग्लोब बॉक्स देखो इतना मस्त आपको मिलता है, और AC वेंट आप देखो यहाँ पर, देख रहे हो ये पूरा इस तरह से रहेगा, ये देखिए वहाँ पर भी स्पेस मिलेगा, इसी तरह से दिया गया है, तो ये पूरा रहेगा आपका सिस्टम। और उसके बाद यहाँ पर ये सब पूरा देखिए ओके करेंगे, यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया ना कंट्रोल करने का, ये यहाँ से कंट्रोल होगा देखो पूरा, और ये रही इसकी पूरी डिस्प्ले भाई, डिस्प्ले एकदम मस्त दिया गया है ये, ठीक है आपका ये पूरा डिस्प्ले इस तरह से आपका रहता है। तो अब यहाँ पर जो है ये ऑफ कर दिया, ये ऑटो कर दिया, तो ये जैसा चाहें वो आप इसने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये पियानो फिनिशिंग पर रहेगा, ध्यान देना, ये देखिए स्पीकर की यहाँ पर प्लेसमेंट, और डैशबोर्ड पूरा IRVM पूरा बढ़िया इलेक्ट्रिक वाला रहेगा, डे नाइट, यहाँ पर देखिए ऐनक वैनक वगैरह यहाँ पर रख सकते हो आप, और ये देखिए लाइट आपका यहाँ पर, ये देखिए सन होल्डर यानी कि जो धूप और रिफ्लेक्ट चमक लगती है ना उससे आपका ये प्रोटेक्ट करेगा, सन प्रोटेक्टर, यहाँ पर सन कर्टेंस, पीछे देखो आप आर्मरेस्ट आप देखो, और सीट बढ़िया एकदम गजब की देखो यहाँ पर, देखो चलिए पीछे चल, पीछे का और गजब का सीन देख रहा है, यहाँ पर भी स्पीकर आपको मिलेंगे, ये पूरा आप देख सकते हैं सेटअप इस तरह से रहेगा, दो ट्विटर आगे दिए गए हैं, ये रहेगा देखो यहाँ पर ये वेंटिलेटर का ऑप्शन दिया गया, ठीक है, ये आपका ड्राइव मोड भी इसके अंदर आपको मिलेगा, देखो इको मोड, स्पोर्ट मोड, नॉर्मल मोड, नॉर्मल पे इस तरह रहेगा, इको पे बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, स्पोर्ट पे भैया तकड़ा लाइल, अभी देखो अगर इसको चेक करना हो ना नॉर्मल पर आप चलाओ या तो इको पर चलाओ, और डायरेक्ट आप स्पोर्ट पर कर दो चलाते हो तो एक अलग फील होगा, एक अलग पावर आपको फीलिंग होगी भाई, ये ज़बरदस्त देगा आपको, ठीक है, स्पोर्ट से चलो मैं इसको ये नॉर्मल पे इको पे कर दिया, ये रहेगा ऑटोमेटिक जो है ना सबसे टॉप मॉडल आती है। यहाँ पे करंस की बेजिंग है और स्टीयरिंग डी कट में लेदर फिनिशिंग के साथ, क्या की बेजिंग, 6 एयरबैग आपको बताया कि स्टैंडर्ड लेवल से आता है। तो अभी हम चलिए चलते हैं पीछे वाले कैबिन में, ये यहाँ आगे, और अब देखिए रियर का जो डोर है यहाँ पर भी एम्बियंस लाइट यहाँ पर दिया गया है, देख रहे हो ये एकदम बढ़िया, ये देखो ऐसा, और यहाँ पर भी आपका सॉफ्ट टच बढ़िया मिलेगा, लेदर फिनिशिंग, ये देखो बॉस के स्पीकर, यहाँ पर इतनी अच्छी जगह, यहाँ पर देखो बढ़िया पैर रखने के लिए, चढ़ने के लिए देखो, और स्पेस इतना अच्छा दिया गया, देख रहे हो ये देखिए जब हम बैठ गए ना इतना जगह मिलता है आपको, ये देखो आप ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक भित्ता लेके मान के चलो स्पेस है आपको, और यहाँ पर यह चीज़ बड़ा अच्छा दिया गया भाई, ये क्या है, वायरस प्रोटेक्शन, स्मार्ट प्योर, ओ माई गॉड, ये देखो भैया कहाँ बवाल है यार, स्मार्ट प्योर प्योरीफायर दिया गया, स्मार्ट डिस्प्ले फिल्टर, देखो यूज टाइम, ये आपका मोड फिल्टर पावर
क्या बात भैया, वायरस प्रोटेक्शन, ये कोरोना वोरोना से बचा है कि क्या यार, ये गजब है ये भैया। यहाँ पर देखो, ये आप देखो एसी का दिया गया ना, ये आप यहाँ से भी आप इस फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो तेज़ धीम जैसा चाहें, ये देखो मैंने कर दिया, यहाँ पर हवा चालू हो गई। देखो ये आपका पूरा एसी रहेगा, ठीक है। टाइप सी की दो चार्जिंग, यहाँ पर फ़ोन रखने की भी जगह आपको मिलेगी। ये लाइट की यार लेकिन विजुअलिटी कम है, यानी कि धीम थोड़ा जल्दी है। एसी बेंट, यहाँ पर देखो ये होल्डर, सन कर्टन्स, यहाँ पर बोस के स्पीकर, पूरा देखो एम्बियंस लाइट्स। और ये आपका हेडरेस्ट देखो, ये रहा भैया आर्मरेस्ट एकदम मस्त वाला, सीट बेल्ट आपका रहेगा ही है। अब पीछे देखो भैया, सीट फोल्ड की गई है तो इतना स्पेस मिल रहा है, देख रहे हो बूट स्पेस। वहाँ पर स्पीकर, और यहाँ पर स्पीकर आपको शायद नहीं है। ये देखो आप टाइप सी की यहाँ पे चार्जिंग की जगह, टाइप सी वहाँ भी जगह है, रखने की भी जगह है। देखो भैया स्पीकर, सीट बेल्ट पीछे भी दो मिल जाएंगे, ये पूरा इस तरह से। और स्पेस देखो, चलो पीछे से दिखाता हूँ आपको, तो काफ़ी अच्छा आपको इस पर स्पेस मिल जाता है, देख रहे हो एकदम बढ़िया स्पेस मिलेगा। ये देखिए पूरा लुक। और अब हम खोलते हैं इसका बूट स्पेस। अब इसमें आप देखो बूट स्पेस, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ से दिखाता हूँ आपको, इतना स्पेस, यानी कि इसके टूल किट हैं और जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस कार को संभालने के लिए, ठीक है। अब ये ऐसा बंद हो जाएगा बढ़िया फ्लैट, अब पैर रख के भी आराम से चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया स्पेस आपको मिलेगा, ठीक। अब इधर देखो, एक सीट हमने इसलिए उठा के रखा है क्योंकि ये सेवन सीटर है, तो इसलिए सीट खुली रहेगी तो ऐसा रहेगा ये, ओके। अब ये जब फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह सेफ में आ जाएगा, वो भी सेफ हो जाती है, आप देख सकते हैं, यानी कि दोनों एकदम पूरी सपाट ये इस तरह से। अभी यहाँ पर दिया गया है, इसको हम उठाते हैं और ये देखिए, ये हो गया आपका ग्राउंड क्लियरेंस जो है बूट स्पेस। देखो आप कितना है, अभी इसको चाहो तो एकदम यार पूरा एकदम समझ लो वही बना दो, कुछ बिछा दो ना, दो चार लोग आराम से लेट के चले जाएं जहाँ जहाँ बिंदास, एकदम अच्छा स्पेस मिलता है इस तरह से, बूट स्पेस है। तो ये जो मॉडल है आपको सबसे टॉप एंड वेरिएंट हमने आपको दिखाया है, तो इसमें दो कलर हैं, एक तो आपको ये कलर मिलेगा जो अभी तक आपने देखा, वो दूसरा कलर था ये, वो रहा उसकी बैटरी लो हो गई इसलिए ओपन नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर आ गए, ये वाला मॉडल है, ठीक है। सेम देखो एलॉय व्हील है, सेम सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मॉडल है वो कौन सा, ये है करंस, और ये भाई जो है ना वो आपका डी 1.5680 लग्जरी प्लस सेवन सीटर है। ऑन रोड प्राइस इसका 21,49,902 रुपये इसकी प्राइस पड़ने वाली है, ये और ये भी मॉडल, ठीक है। ये आप देख लो पूरा, तो कैसा लगा इसका मॉडल कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और सेवन सीटर में इसके कंपटीशन में जो कार है आपको पहले बता दिया हूँ, वो आती है अर्टिगा, और अगर आप और सेवन सीटर की कार देखते हैं, अल्कज़ार आएगी, अर्टिगा आएगी, और अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत ट्राइबर भी आ सकती है, बट आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।